वेलकम टू बिंग इंग्लिश क्लासेस एंड आज पार्ट थ्री इस वीडियो का बन रहा है, ये लेसन का। और अगर आप लोगों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा हो तो आप लोग सबसे पहले पार्ट वन और पार्ट टू देख लीजिए, उसके बाद ये वाले वीडियो पर आप आइए। तो स्टार्ट करते हैं ये लेसन। इस लेसन में ये जो लेसन है ये एक इंटरव्यू की रूप में इस लेसन को लिखा गया है। एक्चुअली 24 कन्वर्जेशन विद बोर्जेस नाम की एक किताब है और इस किताब का एक छोटा सा हिस्सा ये लेसन के तौर पर सेकेंड ईयर पीयूसी के टेक्स्ट बुक में आया है। जैसे कि ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरह चल रहा है। एलिफेनो बोर्जेस को सवाल पूछता है और बोर्जेस उन सवालों का जवाब देता है। अगला सवाल जो एलिफेनो ने इस पार्ट में पूछा है वो पोइट्री के बारे में पूछा है, यानी पोयम के बारे में पूछा है। एलिफेनो बोर्जेस से ये सवाल करते हैं, बोर्जेस व्हाट इज पोइट्री, हाउ वुड यू डिफाइन इट। एलिफेनो बोर्जेस से पूछते हैं कि पोइट्री आपके लिए क्या है, आपके लिए पोइट्री का मतलब क्या है और आप पोइट्री को कैसे दर्शाते हैं। तो बोर्जेस इस पे एक काफ़ी बड़ा आंसर देते हैं। वो चाहते तो एक लाइन में ये आंसर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक काफ़ी समय लिया उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और सबसे पहली लाइन जो वो बोलते हैं बोर्जेस, वो कहते हैं आई बिलीव दैट पोइट्री इज़ समथिंग सो इंटीमेट, यानी वो कहते हैं कि जो पोइट्री है मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि पोइट्री मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। यहाँ पर इंटीमेट का मतलब होता है सब कुछ ऐसी चीज़ें जो दिल के नज़दीक हो उसे इंटीमेट कहा जाता है, जैसे कि क्लोज रिलेशनशिप्स या कोई पर्सनल रिलेशनशिप। तो बोर्जेस का मानना ऐसा है कि वो पोइट्री को लेकर ऐसा कहते हैं कि पोइट्री उनके दिल से ज़्यादा करीब है, सो एसेंशियल दैट इट कैनॉट बी डिफाइंड। वो कहते हैं कि पोइट्री बहुत इम्पोर्टेंट है इंसानों के लिए, क्योंकि पोइट्री से उस इंसान की कला झलकती है। सो एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होगा बहुत ही ज़रूरी। इट कैनॉट बी डिफाइंड विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। वो कहते हैं कि अगर मैं पोइट्री को एक सिंपल तरीके से समझाने जाऊँ तो ये जितना मैं समझाने जाऊँ उतना कम है। इट वुड बी लाइक अटेम्पटिंग टू डिफाइन द कलर येलो। वो कहते हैं कि पोइट्री को समझाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं वो कलर येलो का। वो कहते हैं कि अगर किसी को मुझे समझाना हो कि कलर येलो कैसा दिखता है, पीला कलर कैसे दिखता है, तो मुझे वो पीला कलर उसे दिखाना होगा, उसे ऐसी चीज़ें दिखानी होगी जो पीली कलर में होती है। सिर्फ पीला कलर कैसे होता है ये बोलने से उस इंसान को पीले कलर के बारे में समझाया नहीं जा सकता। तो वो कहते हैं कि इट वुड बी लाइक अटेम्प्टिंग टू डिफाइन द कलर येलो। लव उसी तरह से जैसे उन्होंने कलर येलो के बारे में बताया, वो कहते हैं कि जो प्यार होता है, लव होता है, ये प्यार का जो डेफिनेशन है ये काफ़ी काफ़ी वास्ट है। ये एक भाई बहन का भी प्यार हो सकता है, एक माँ अपने बेटे की या बेटी के लिए भी हो सकता है, एक बेटी और बेटे का प्यार अपने माँ बाप के लिए हो सकता है, या ये प्यार एक मियाँ बीवी के बीच में हो सकता है, या तो ये प्यार दो दोस्तों के बीच हो सकता है। तो वो कहते हैं ये प्यार को समझाना काफ़ी मुश्किल है, ठीक उसी तरह से पोइट्री को समझाना काफ़ी मुश्किल है। और फिर आगे वो और एक एग्जाम्पल देते हैं, एंड द फॉल ऑफ लीव्स इन द ऑटम। ऑटम एक मौसम होता है जिसमें पत्ते झड़ते हैं, या पतझड़ का जो मौसम होता है। तो वो कहते हैं कि पोइट्री इस तरह से है जैसे कि कोई ये कलर येलो को समझाना हो, या किसी मोहब्बत क्या चीज़ होती है ये बताना हो, या पतझड़ का जो मौसम होता है ये अगर मुझे एक्सप्लेन करना हो वो कैसे होता है। अब पतझड़ का मौसम, अगर पतझड़ क्या होते हैं, पतझड़ का जो मौसम होता है वो कैसे होता है, अगर सिर्फ कहने से लोगों को समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आपको फील करना होगा कि पतझड़ होता कैसे है। पत्ते झड़ने के बाद जो आसपास का जो मौसम होता है, आसपास का जो वातावरण होता है वो कैसे दिखाई देता है, और आबो हवा कैसी होती है पतझड़ के मौसम में। पेड़ अपना जब पत्ते झड़ते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई बिलीव दैट पोइट्री इज़ द एथेस्टिक
एक्ट एथिस्टिक का मतलब होता है किसी खूबसूरती को लेकर या किसी आर्ट कला को लेकर। तो एस्थेटिक का दो मीनिंग्स आते हैं यहाँ पर, ब्यूटी एंड आर्ट। ओके दे आई बिलीव दैट पोइट्री इज द एस्थेटिक एक्ट। ये पोइट्री लिखना एक ऐसी कला है, एक अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है। दैट पोइट्री इज नॉट द पोएम। पोइट्री सिर्फ एक पोएम नहीं है, सिर्फ एक लिखी हुई चीज़ नहीं है किताब पर या पन्ने पर। फॉर द पोएम मे बी नथिंग मोर देन अ सीरीज ऑफ सिम्बल्स। यहाँ पर सिंबल का पोइट्री में मतलब होता है जैसे कि बो एंड एरो। ऑन चिल्ड्रन मैंने एक पोएम सिखाया है आप लोगों को, सेकेंड ईयर PUC का ये पोएम है, जो सेकेंड पोएम है इस बुक का। उसमें मैंने एक सिंबल्स यूज़ किए, बो जो होते हैं, बो एंड एरो ठीक है, और आकर, ये तीन सिंबल्स हैं जो इस पोएम में बताए जाते हैं। आकर जो होता है वो जो खुदा होता है उसको आकर कहते हैं ठीक है, और बो जो होते हैं वो माँ बाप, और जो एरो होता है वो चिल्ड्रन यानी बच्चे ठीक है। तो वो सिंबल्स उसको उस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना पोएम में जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसी चीज़ को बताने के लिए, उसे सिंबल कहा जाता है। और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो फर्स्ट ईयर की बुक में आप लोग देखोगे कि द रोमियो एंड जूलियट, अच्छा द रोमियो एंड जूलियट पोएम में भी आप लोग देखोगे रेवन्स ऑन द बैक ऑफ द नाइट ठीक है, इस तरह से जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए ठीक है, वो भी एक सिंबल होते हैं। तो यहाँ पर बोर्जेस है वो कहते हैं पोएम सिर्फ सिंबल के लिए नहीं होती है, सिर्फ सिंबल्स नहीं होते हैं, अ सीरीज ऑफ सिंबल्स। पोइट्री आई बिलीव इज द पोएटिक एक्ट दैट टेक्स प्लेस व्हेन द पोएट राइट्स इट। पोइट्री अपने आप में कला है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और ये पोइटिक एक्ट यानी ये पोएम कब बनती है, पूरी तरीके से ये पोएम कब कहलाई जाएगी, जब व्हेन द रीडर रीड्स इट, जब पढ़ने वाले जो लोग होते हैं पोएम को, जब वो पोएम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब उनको वो पोएम समझ में आती है, तब जाके कह सकते हैं कि पोएम एक्चुअली पोएम थी। एंड इट इज ऑलवेज हैपन इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। व्हेन द पोएटिक एक्ट टेक प्लेस इट सीम्स टू मी दैट वी बिकम अवेयर ऑफ इट। पोइट्री इज अ मैजिकल मिस्टीरियस एंड अनएक्सप्लेनेबल ऑल्दो नॉट इनकॉम्प्रिहेंसिबल इवेंट। पोइट्री इज अ मैजिकल। बोर्जेस के अनुसार जो पोएम होते हैं या पोइट्री होती है वो एक चमत्कारिक होती है, क्योंकि आप जब पोएम लिखते हो ना तो एक लाइन में आप बहुत कुछ कह जाते हो, ये कला होती है पोएम की। और मिस्टीरियस होती है, बोर्जेस कहते हैं मिस्टीरियस यानी कि एक मिस्टीरियस का मतलब होगा यहाँ पर एक ऐसी चीज़ जिसे पढ़ने के बाद हम अचंभे में पड़ जाते हो या हैरान हो जाते हो, उसको मिस्टीरियस कहा जाता है यहाँ पर। अनएक्सप्लेनेबल, पोइट्री एक ऐसी चीज़ है जिसे लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता, उसे फील करना होगा। ऑल्दो नॉट इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इन सारे चीज़ों के बावजूद पोइट्री ऐसी नहीं है कि वो समझ में ना आने वाली चीज़ हो, वो समझ सकते हैं हम उसे समझ सकते हैं ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, पोइट्री ऐसी कोई चीज़ नहीं जो जिसे ना समझा जाए ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल इवेंट, इफ वन डजेंट फील द पोइटिक इवेंट अपॉन रीडिंग इट द पोइट हैज फेल्ड। द लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अगर पढ़ने वालों को पोएम पढ़ने के बाद अगर समझ में नहीं आती हो कि पोएम पोएट क्या कहना चाहता है उस पोएम के माध्यम से, तो फिर वो पोएम एक फेलियर होगी, यानी उस पोएम का वो पोएम जिस लिखा गया है, जिस जिस मकसद से वो पोएम को लिखा गया होगा, अगर वो मकसद पूरा नहीं होगा तो वो एक ग्रेट फेलियर है, नाकामयाब पोएम हो सकती है ठीक है। आई फनो फिर आगे पूछते हैं पोजेस, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द आर्ट ऑफ पोइट्री इज फाइंडिंग द प्रेसाइज वर्ड्स। एलिफोनो कहते हैं जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं पोइट्री में, अगर एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल जो किए जाते हैं उसके क्या मायने हैं, उसके क्या इम्पोर्टेंस है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आप लोग को यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर में जब कोई इंसान मर जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डाइड। अगर कोई ऐसा इंसान जो एक अपने आप में उसका समाज में बहुत बड़ी इज्जत थी, तो
तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है पास्ट अवे। पास्ट अवे और डाइड, इसमें काफी फर्क है। शायद डाइड बोलने से उस इंसान की इमेज खराब हो जाए या डिसरेस्पेक्ट हो, तो पास्ट अवे बोलना काफी अच्छा होता है। चॉइस ऑफ द वर्ड्स, जिस तरह के लफ्ज आप लोग इस्तेमाल करते हो बातें करते वक्त, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। टेलीफोन और बोर्जेस को पूछ रहे, जो लफ्ज हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसे जो हम लोग चुनते हैं, क्या वो भी अपने आप में एक मायने रखते हैं? तो इस पर बोर्जेस उसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, काफी हद तक। दोस प्रिसाइज वर्ड्स, यानी एग्जैक्ट वर्ड्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोएम में, उस पोएम को और खूबसूरत बनाने के लिए। दोस प्रिसाइज वर्ड्स आर व्हाट एलिसिट द इमोशन, वो जो वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं पोएम में, उससे उसकी मदद से हम इमोशंस को और उभार सकते हैं। आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट वर्ड वंडरफुल लाइन इन अ पोएम बाय एमिली डिकिंसन विच कैन एग्जाम्प्लाई दिस। यहाँ पर बोर्जेस एमिली डिकिंसन एक ऐसी पोएटिस रह चुकी है उन जमाने में, वो कहते हैं कि मुझे एक लाइन याद आई है एक पोएम की जिसे एमिली डिकिंसन ने लिखा था, दिस क्वाइट डस्ट वॉस जेंटलमैन एंड लेडीज। बोर्जेस कहते हैं आई ऑलवेज रिमेंबर दैट वंडरफुल लाइन इन अ पोएम बाय एमिली डिकिंसन विच कैन एग्जाम्प्लीफाई दिस, दिस क्वाइट डस्ट वॉस जेंटलमैन एंड लेडीज। यहाँ पर बोर्जेस एक पोएम का लाइन याद करते हैं और वो लाइन होती है दिस क्वाइट डस्ट वॉस जेंटलमैन एंड लेडीज, जिसे एमिली डिकिंसन ने लिखा होता है। वो इस लाइन को क्यों याद करते हैं? वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो डस्ट का मतलब यहाँ पर होता है, दरअसल ये जो पोएम है, जो पोएट होती है वो एक कब्रस्तान में जाती है और वहाँ देखकर, उन कब्रों को देखकर वो कहती है कि दिस क्वाइट डस्ट। हालांकि वो कब्रस्तान में जितने भी जो कब्र होती है वो क्वाइट होती है, यानी शांत होती है, और क्योंकि वो खाक जितने भी जो लोग होते हैं उस ज़माने में जो जिंदा रह चुके हैं, चाहे हो वो औरत हो या मर्द हो, वो सारे के सारे खाक को सुपुर्द हो जाते हैं। इसीलिए वो कहती है दिस क्वाइट डस्ट वॉस जेंटलमैन एंड लेडीज, एक ज़माने में ये जो धूल मिट्टी है, ये जो गर्द है, वो एक ज़माने में एक इंसान और औरत रहा करते थे। ठीक है, तो द आइडिया इज बैनल, द आइडिया ऑफ डस्ट, द डस्ट ऑफ डेथ, वी विल ऑल बी डस्ट वन डे इज अ क्लिशे, बट वॉट सरप्राइजेज इज द फ्रेज जेंटलमैन एंड लेडीज। वो कहते हैं कि चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पर जो आइडिया, ये जो डस्ट, जो खाक का इस्तेमाल किया गया है इस पोएम में, ये दिखाने के लिए मौत के बारे में जो खाक का इस्तेमाल किया गया है वो काफ़ी लाजवाब है। इस क्लिशे लाजवाब है यहाँ पर, और एक कॉमन चीज़ है क्लिशे। यहाँ पर क्लिशे का मतलब होगा एक कॉमन चीज़ है। यहाँ पर जो डेथ यानी मौत के को डस्ट कहा गया है यहाँ पर, वो एक क्लिशे है। और हर पोएम में आप लोग देखोगे डेथ को डस्ट का रूप दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में, बट व्हाट सरप्राइजेस इज द फ्रेज जेंटलमैन एंड लेडीज। बोर्जेस को जेंटलमैन और लेडीज, ये जो फ्रेज है, ये जो वर्ड जो पोएम में इस्तेमाल किया गया है, ये बोर्जेस को काफ़ी हैरान करने वाला एक ऐसा फ्रेज है विच गिव्स अ मैजिक एंड पोएटिक क्वालिटी। अगर ये फ्रेज पोएम में नहीं इस्तेमाल किया जाता तो शायद ये पोएम को वो क्वालिटी नहीं दे पाते। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए और जो लेवल की बातचीत एलिफिनो और बोर्जेस के बीच में हो रही है, वो आम लोगों को समझ में आने थोड़ी सी मुश्किल है। तो शायद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये बातें समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं आप लोगों के लिए समझ में आ जाए, ये मेरी कोशिश रही है अब तक की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस पोएम में। इफ़ शी हैड रिटन मैन एंड वुमेन, वो कहते हैं कि अगर जेंटलमैन एंड लेडीज़ के जगह पे अगर मैन एंड वुमेन कहा जाता तो क्या होता, इट वुड हैव फेल्ड एज पोइट्री, तो वो पोइट्री नहीं कहलाती, या वो पोइट्री में उतना दम नहीं होता अगर सिर्फ मैन एंड वुमेन कहा जाता तो।
क्योंकि इस पोएम में जेंटलमैन एंड लेडीज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से पोएम में एक अलग तरीके का एक दम दिखाई दे सकते हैं आप लोगों को। इट वुड हैव बीन ट्रिवियल, ट्रिवियल यानी छोटी सी बात। तो वो कहते हैं कि अगर जेंटलमैन एंड लेडीज़ के जगह पर के बदले अगर मैन एंड वुमेन लिखा जाता तो ये काफ़ी छोटी बात होती, बट फाइंडिंग द प्रिसाइज वर्ड्स शी रोट दिस क्वाइट डस्ट वॉश जेंटलमैन एंड लेडीज। उन्होंने अच्छी तरह से एग्जैक्ट वर्ड को चुनकर जो ये सेंटेंस लिखा है दिस क्वाइट डस्ट वॉश जेंटलमैन एंड लेडीज, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो आई होप आप लोगों को मैं जो ये जो पार्ट है लेसन का पार्ट 3 आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आप लोग के पास कोई डाउट हो या कोई सवाल आप लोग को पूछना हो ये वीडियो देखने के बाद तो आप लोग कमेंट में मुझे वो सवाल लिख सकते हो, तो मैं आप लोग को कमेंट में ही उसका जवाब दे दूंगा। बने रहे बीइंग इंग्लिश क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच।